प्रीवियस लेवल्स पे देखा हुआ है कि एरोमेटिक न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी तीन टाइप की होती है एक होता है यूनिमोलिकुलर एक होता है डाई मोलिकुलर सॉरी बाई मोलिकुलर और एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई अ बेंजाइन यानी कि बेंजाइन से भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं ओके okay, अब देखो जब सब्स्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है न्यूक्लोफाइल से पॉसिबल नहीं है तो ये तीन टाइप्स कहां से आ गए रिएक्शन के तो ये जितनी भी बातें आपके मन पर आती है यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको इस लेक्चर पर बताने वाली हूँ बट आपको थोड़ी देर चीजों को सुनना पड़ेगा ओके okay? तो क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करके आपके लिए लेक्चर बनाया तो थोड़ी देर आप भी सुन लीजिए क्योंकि नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड ही कराने वाली हूँ बस आपको थोड़ी देर सुन लेना है और नोट्स तो आपके मेल uh, कर लूंगी मैं आप लोगों को आप बस मुझे uh, जो मैंने आपको लिंक शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे उस तो पर आप क्लिक कर लीजिए बाकी मेल मैं आपको सेंड कर दूंगी ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को तो ध्यान से सुनिएगा तो मैं आपको बहुत बेसिक से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ डोंट वरी अगर आपको बहुत सारे बेसिक चीजें नहीं पता है तो ओके okay? तो मैं सब कुछ करा लूंगी तो यहाँ लिखा है आपने सब रिएक्शन देखना है बेंजीन में

अब हम बोल रहे हैं न्यूक्लोफ्लिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लोफ्लिक्शन मैंने आपको क्या बोला न्यूक्लोफाइल कोई नई चीज नहीं है न्यूक्लोफाइल कंपाउंड ही है हम उनको न्यूक्लोफाइल तब कह रहे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है ओके तो मैंने इस कंपाउंड सी को क्या कंसिडर कर दिया न्यूक्लोफाइल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है मैंने इसके ऊपर लगा दिया नेगेटिव चार्ज ओके तो ये बन गया एक टाइप का न्यूक्लोफाइल ओके अब आपने क्या कर दी यहाँ पर को ये सी इस बी को रिप्लेस कर रहा है और ए के साथ एड हो जा रहा है और बी आपका बाहर हो जा रहा है ओके तो ऐसी रिएक्शन जो ये न्यूक्लोफाइल की वजह से हुआ ऐसा सब्सिट्यूशन जो इस न्यूक्लोफाइल की वजह से हुआ इससे आप क्या बोलेंगे इतनी चीज क्लियर हुई अब देखिए एक और टर्म आप पहले समझ लीजिए आपको आगे काम आएगा वो ये है बी

ऑलरेडी ओके okay. आप ये चाहते हैं आपने नहीं न्यूक्लोफाइल ऐसे चाहता है कि ये क्या करे इस हाइड्रोजन को यहाँ से सब्सिट्यूट करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दे कैसा बनेगा सपोज इसने यहाँ के हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट कर दिया इसे निकाल दिया तो आपका क्या होगा यहाँ पर को न्यूक्लोफाइल और ये पोजीशन पे हाइड्रोजन वैसे के वैसे बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देखेंगे ना जो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये भी आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होते हैं क्योंकि देखो ये बाहर वाले तो सिंगल बॉन्ड ही है बट इनके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया एक बॉन्ड मतलब ये भी तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है एक बॉन्ड आपका दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है एक नेगेटिव चार्ज भी आपके दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है यहाँ आपके पास एडिशनल कितने इलेक्ट्रॉन है ये ये रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इट मीन ये रिंग भी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है अब ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है तो अब भी देखो ये न्यूक्लोफाइड जैसे इस रिंग पे जाना ट्राई करेगा यानी कि यहाँ से इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ये रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है अब आपको मालूम है कि इस रिंग में नेगेटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये रिंग पे पूरा नेगेटिव चार्ज है ओके और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है गे? और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा रिपेल करता है ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कभी रह ही नहीं सकते ओके इसलिए यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक नहीं कर पाता एक रीजन समझ में आया दूसरा रीजन क्या है दूसरा रीजन ये है कि देखो सपोज आपने क्या है बाहर से कोई ग्रुप एड कर दिया ये है आपका आपने

कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट पोजिशन में है तो वहां पर को कंजुगेशन आ जाएगा अब देखो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं मैं इसे लोन पेयर बोलूं या फिर नेगेटिव चार्ज बोलू इक्वल चीज है ओके अब देखो क्या होगा ये देखो न्यूक्लोफाइल भी कभी आपको लोन पेयर के साथ मिलेगा कभी नेगेटिव चार्ज दोनों सेम बात है ओके क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज जो आपका जो लिविंग ग्रुप है जो बाहर आने वाला ग्रुप था वो क्या करेगा इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ दे देगा ओके और फिर क्या होगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि यहाँ पर को पूरा रेजोनेंस जो कंजुगेशन आपका होता था वैसा होगा और बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा कि ये जो ग्रुप है ना आपका लिविंग ग्रुप इसके इसके पास पास था, जैसे ही आपका में आया, हो हो गया, गया, अब आपको मालूम है है, कि double bond को break करना काफी difficult हो जाता है। तो ये nucleophile के पास इतनी टेंडेंसी तो है नहीं कि ये इस न्यूक्लियो ये जो लिविंग ग्रुप के साथ इस रिंग ने इस कार्बन एटम ने डबल बॉन्ड बनाया उसे तोड़ सके इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, इस लिविंग ग्रुप को बाहर नहीं ले जा पाता है इतनी चीज समझ में आता मतलब समझ में आया तो यही रीजन होता है कि न्यूक्लोफ्लिक सब रिएक्शन कराना बेंजीन में डिफिकल्ट होता है बट ये आपके लिए और सिंपल ये सिंपल तब हो जाएगा यानी कि ऐसा पॉसिबल तब हो पाएगा अगर आपका जो बेंजीन रिंग है या फिर आपका जो एरोमेटिक रिंग है इसके पास यहां पर को को कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप माइनस आर शो करने वाले माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप प्रेजेंट हो ओके अगर मैं सिंपली अगर बोलू की यहां पर लिविंग ग्रुप के बदले मैंने कोई फ्लोरिन एटम रख दिया यहां पर मैंने रख दिया फ्लोरिन अब आपको आपको मालूम है कि फ्लोरिन अगर आप ले लेंगे और यहाँ पर फ्लोरिन के साथ न्यूक्लोफ्रिक सब्सिशन रिएक्शन कराना चाहेंगे, तो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी क्यों पॉसिबल होगी क्योंकि देखिए फ्लोरिन क्या है एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ओके अब देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि हम अभी तक नहीं है नहीं है वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है अब है वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो पाती है ओके तो देखिए अगर आपने इस लिविंग ग्रुप के बदले यहाँ पर को रख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन करता हो या माइनस आर इफेक्ट शो करता हो माइनस आई इफेक्ट शो करता हो तो क्या होगा ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर है ये क्या करेगा यहाँ से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा अब देखो ये जो फ्लोरिन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये भी तो दो इलेक्ट्रॉन से बना है इन दोनों के बीच से बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होता है ऐसा बिहेवियर कि ये क्या करता है ये जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों बॉन्ड को ये जो दो ग्रुप है इनको जोड़ने वाले दो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रुप अपने आप अपने, अपने मतलब कि ये ग्रुप क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लग जाता है यानी कि पहले तो ग्रुप ऐसे था पहले तो बॉन्ड ऐसे बना था बट अब क्या हो जाएगा ये बॉन्ड तो बनेगा बट दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे ये बॉन्ड जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों के पास नहीं है अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है इस फ्लोरिन के पास है क्योंकि फ्लोरिन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है दोनों इसकी तरफ इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे ओके अब देखो अब ये कार्बन के पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि ये दो बॉन्ड है इस पे दोनों नेगेटिव चार्ज तो फ्लोरीन के पास चले गए इलेक्ट्रॉन के मतलब कार्बन के पास अब कुछ नहीं बचा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज आ जाता है जी समझ में अब यहां आने की वजह से न्यूक्लोफाइल क्या है यहाँ पर को अटैक कर पाता है जी समझ में क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लोफाइल नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रह सकते हैं ये चीज आपको भी मालूम है ओके तो ये कंडीशन होती है कि जब आप किसी भी

उसका कोई भी ग्रुप जैसे आपके पास कोई सब्स बाहर से नहीं लगाया तो हाइड्रोजन ही होगा और अगर आपने बाहर से कोई ग्रुप लगाया तो उस की बात कर रहा है उसको आप किसी न्यूक्लियोफिल्ड की हेल्प से रिप्लेस करना चाहें तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्यूशन रिएक्शन ओके अब मैं आपको बताती हूँ जो चीज मैंने अभी आपको बोला कि द रीजन ऑफ अनयूजल रिएक्टिविटी यानी कि आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्यूशन रिएक्शन ना होने का रीजन क्या है तो यहां लिखा है द रीजन ऑफ अनयूजुअल रिएक्टिविटी ऑफ अ एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड ऑन की आइटम और इसका रीजन ये है कि आपका जो की आइटम है की आइटम किसको बोलते हैं okay? कैसे डिस्टर्ब होगा मैंने आपको बोला था कि जो लोन पेयर होते देखिए लोन पेयर बोला बॉन्ड बोला है नेगेटिव चार्ज बोला, बोला ये तीनों चीजें एक ही होती हैं ओके okay? तो ये लोन पेयर है ये बॉन्ड भी बन सकते हैं कभी नेगेटिव चार्ज बन के भी बाहर निकल सकते हैं ओके okay? तो क्या होगा

और एक नेगेटिव चार्ज भी क्या है दो इलेक्ट्रॉन से है तो ये नेगेटिव चार्ज बन के बाहर निकल जाएगा अब देखो हुआ क्या ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दो लोन पेयर है बोल सकते हैं जो आपके और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या है डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर को आके बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा समझ में आ रहे ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना देगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और डबल बॉन्ड हो जाएगा लेकिन इस एक्स के ऊपर यानी कि ग्रुप के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्यों क्योंकि ये तो पहले इलेक्ट्रॉन रिच था इसके पास नेगेटिव चार्ज था एक्सेस नेगेटिव चार्ज था बट अब नहीं बचा अब देखो अब बचा नहीं बचा तो इसलिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा इसलिए अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा ओके अब क्या होगा यहाँ पर को आ गया डबल बॉन्ड लेकिन मैंने क्या बोला डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड रहना पॉसिबल नहीं है ये डबल बॉन्ड क्या है नेगेटिव चार्ज बन के बाहर निकल जाएगा यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज ओके जैसा आपका कंजुगेशन में होता था अब क्या होगा अब देखो ये क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज अब बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा जैसे यहाँ पर हुआ था अगर मैं इसे नेगेटिव बोलू तो ये बॉन्ड बना लेगा ओके और उसके एडजस्टेंट में जो बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा अब देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या यहाँ पर जाके बॉन्ड बना लेगा बॉन्ड बनाए इसके एडजस्टेंट में जो बॉन्ड था वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज अब ये क्या करेगा अब ये वाला नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा और इसके एडजस्टेंट जो बॉन्ड है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देगा देखो इसने तो बॉन्ड बना दिया बस इस बॉन्ड ने नेगेटिव चार्ज बन के बाहर आया

क्योंकि यहाँ पर को इनिशियली तो सिंगल बॉन्ड था बट यहाँ पर को एक बार डबल बॉन्ड भी आ रहा है इसका मतलब ये इसका जो बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में लाइक करता है यानी कि ये भी तो सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ ही ना समझ में आ रहा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है सिंगल और डबल के बीच में लाइक करता है इसका मतलब इसका बॉन्ड जो है वो सिंगल का जितना कमजोर भी नहीं है लेकिन डबल का जितना स्ट्रांग भी नहीं है तो इट मींस आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये सिंगल के कंपेयर में तो स्ट्रांग ही है ओके okay? तो इस बॉन्ड को तोड़ना इस न्यूक्लियोफाइल जो आपने यहां पर न्यूक्लियोफाइल लिया उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा समझ में आ रहा तो यहाँ पर कोई ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं और लिविंग ग्रुप बाहर होगा ही नहीं तो आपका यहाँ पर रिएक्शन भी होगा नहीं ओके okay? तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ही delocalization. Delocalization हो रहा है ये सारी चीजें आप प्रीवियस वीडियो पे यानी कि ऑर्गेनिक की जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी वहां पढ़ चुके हैं ओके डीलोकलाइजेशन वगैरह क्या होता है तो बोल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंजुगेशन विद द पाई बॉन्ड ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड के साथ ये पाई बॉन्ड है इनके साथ कंजुगेशन में आ रहा है जिसकी वजह से क्या है इज दीजिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द कार्बन ऑफ द रिंग एंड द लिविंग ग्रुप जिसकी वजह से क्या हो रहा है इस कार्बन एटम में ये जो कार्बन एटम है और ये जो लिविंग ग्रुप है इसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं बन रहा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड को तोड़ना आपके लिए मुश्किल है ओके न्यूक्लोफाइल के लिए मुश्किल है ओके तो अब लिखा है द की बिकम बिकम बॉन्डेड टू अ एरोमेटिक रिंग एंड कैन नॉट बी तो इसको रिप्लेस करना क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो पहला रीजन ये हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया दो क्या बता रहा है तो देखो दूसरा रीजन क्या है जो मैंने आपको बोला कि ये आपकी जो एरोमेटिक रिंग है सपोज आप बेंजीन ले रहे हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन रिच और स्पीसीज आएगी

तो ये क्या करेगी बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आएगी तो उसको रिपेल कर देंगे ये दोनों साथ कभी रह ही नहीं सकते ओके okay? क्योंकि क्या करता है बोला कि ये जो प्रॉपर रीजन जो आप वहां बताएंगे आप बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो बाहर से रीजन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या करेगा शील्ड कर देगा कार्बन की रिंग को यानी कि इस एरोमेटिक रिंग को ताकि बाहर से जो आपका न्यूक्लोफाइल है वो इस पर अटैक ना कर पाए इतनी चीज समझ में ये दो तो रीजन हो गए बट अब रीजन क्या है जिससे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है उसके रीजन भी सुन लीजिए पहला रीजन तो ये बोल रहा है कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन यानी कि अगर आपने ड्रास्टिक कंडीशन ले ली यानी कि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कर लीजिए प्रेशर भी ज्यादा कर लीजिए उस केस में आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटन रिएक्शन एक बारी के लिए पॉसिबल हो सकती है चाहे आप कैटेस्ट यूज करें या फिर ना करे तो यहाँ है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट

या फिर आप बोल सकते हैं हेट्रो एटम वाला कोई ग्रुप हो देन आपका वो कंपाउंड में उस एरोमेटिक रिंग में न्यूक्लोफ्लिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है ओके तो माइन आपको रीजन मैंने बता दी क्योंकि ये सारी स्पेसिस क्या होती है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाली होती है ये क्या है यहाँ पर कार्बन के साथ जो ग्रुप है सपोज मैंने एक्सी लगा दिया ये बेंजीन रिंग है आपकी इसके पास क्या है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस इस कार्बन को क्या है इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर तो अटैक कर सकता है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेबल होते हैं इतनी चीज समझ में आए तो वही बोल रहा है कि ऑन द अदर हैंड प्रॉबिबिलिटीड ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड है माइनस आर और माइनस आई ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरापोशन और having a यहां पर को अगर ऐसी condition है then आपका न्यूक्लोफ्लिक सब्सटन रिएक्शन पॉसिबल होगा ही होगा ओके okay? और वी कैन से दैट विद डिफिकल्टी और बहुत आसानी से भी हो जाएगा इतनी चीज समझ में तो ये रीजन है कि वाई न्यूक्लिफ्लिक सब्सिटन रिएक्शन हमारा एरोमेटिक रिंग में पॉसिबल नहीं होता और पॉसिबल आपको कराना है तो आपको क्या क्या कंडीशन ध्यान में रखनी होंगी क्लियर है तो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स में देखो अगर आपके किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्शन हो रहा है किसकी हेल्प से न्यूक्लोफाइल की हेल्प से देन आपको तीन टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेंगी एक होगी ए आर एस एन वन एक होगी ए आर एस एन टू एक होगा एरोमेटिक ओके और जो थर्ड वन है ये काफी इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको थोड़ा रफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ तब हम लोग एक एक करके बढ़ेंगे ओके okay? देखो एआरएस एन वन एर एस एन टू जो है ये आपकी एस एन वन और एस एन टू के ही सिमिलर है कैसे देखो एस एन वन रिएक्शन क्या होती थी कोई भी रिएक्शन आपकी अगर टू स्टेप में कंप्लीट होती हो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते थे एस एन वन रिएक्शन तो वही चीज यहाँ पर भी आएगी अगर आपकी एरोमेटिक सब्सटूशन रिएक्शन जब आप न्यूक्लोफाइल की की हेल्प से करा रहे हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में सब्सिट्यूशन रिएक्शन और वो रिएक्शन आपके दो स्टेप में कंप्लीट होगी तो आप उसे बोलेंगे ए आर एस एन वन रिएक्शन ओके अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड में सब्सिट्यूशन रिएक्शन हो रही है किसकी हेल्प से न्यूक्लोफाइल की हेल्प से लेकिन वो रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है सिंगल स्टेप में तो कंप्लीट होगी बट एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी जो कि कंप्लीटली अनस्टेबल होती है ओके okay? तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलेंगे अभी अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली रफली सुन लीजिए ओके और थर्ड है आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरो वाई अ अ बेंजाइन देखो वाई बेंजाइन मतलब कि सब्सट्यूशन रिएक्शन तो हो रही है यहाँ पर को लेकिन बीच में कहीं ना कहीं पर को आपको बेंजाइन या फिर एराइन को फॉर्म करना होगा अब बेंजाइन और एराइन क्या है देखिए ये क्या है बेंजीन का ही भाई है बेंजीन का भाई कैसा है देखो बेंजीन क्या होता था आपका कुछ ऐसा कंपाउंड होता था ओके okay, लेकिन यहां पर को हमने बेंजीन के बदले क्या लगा देना है अब आप देखो, और बेंजीन में एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लगाते थे एल्कीन एल्का एल्कीन बोलते थे अगर मैं वहां पर एल्काइन कह दू तो मैं वहां ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रही हूं तो अगर इसी बेंजीन रिंग में यहां पर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दू तो अब ये बेंजीन ना रहके क्या बन जाएगा बेंजाइन इसी चीज समझ में आई और बेंजीन को हम क्या बोलते थे? भी बोलते थे थे भी लेकिन अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा रही हूं तो अब मैं इसे क्या बोलूंगी एराइन ओके इतनी चीज समझ में समझवाए तो आपकी कोई भी सब्स्यूशन रिएक्शन जिसमें आपका बीच में बेंजाइन एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्यूशन वाई अ बेंजाइन और ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी यानी कि इस में होता क्या है आपका मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनता है तो आपको कंडीशंस दी जाएंगे कि कब मेजर बनाना है कब माइनर बनाना है ये सारी चीजें ओके तो आप एक-एक करके सारी चीजें देखते हैं ध्यान से सुनिएगा ओके तो देखो पहला है आपका एआर एसएन1 एआर एसएन1 को क्या बोलेंगे यूनिमोलेक्यूलर रिएक्शन के बाद जब हम लोग करते हैं तब बोलते हैं एसएन1 तो वही है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ुलर रिएक्शन इतनी चीज क्लियर है लेकिन ये जो एआरएसएन वन रिएक्शन होती है ये बहुत रेयर होती है अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड में एस एन वन रिएक्शन देखना चाहेंगे ये बहुत आपको रेयर मिलेगी जनरली यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ डायजोनियम सोल्ट ही शो करता है तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए आर एस एन वन रिएक्शन इज वेरी रेयर ओके दिस इज मेनली गिवन बाय द डायजोनियम सोल्ट ओके तो डायजोनियम सोल्ट इसे मेनली देता है डाइएजोनियम सोल्ट के यहां को रिएक्शन दिखाई हुई है कि यह आपका हो गया डाइएजोनियम सोल्ट यहाँ आर के बदले डायजोनियम सोल्ट को आप ऐसे दिखाते यहां पर आर के बदले आपने एराइल मतलब एलकाइल सॉरी एरोमेटिक रिंग ली हुई है ओके okay, तो एरोमेटिक पे बात करें, तो आपने एरोमेटिक रिंग लिया इस पर अटैक करेंगे तो क्या होगा ये 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 जो जो आपका N2 है, ये आपका 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 है है बाहर हो जाएगा और यहां पर को देखो ना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और न्यूक्लोफाइल आपका एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो जाएगा और एन टू आपका बाहर निकल जाएगा ओके okay? अब मैंने आपको क्या बोला ए आर एस एन वन रिएक्शन क्या होगी टू स्टेप रिएक्शन होती है तो इसकी मैकेनिज्म में आपको यहाँ शो कराना है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है पहले स्टेप पे आपने क्या किया ए जो आपका डायजोनियम था ये जो पहली रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है और इक्विलिब्रियम में होती है इक्विलिब्रियम मतलब कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है बैकवर्ड भी प्रोसीड हो सकती है ओके तो पहली स्टेप आपकी बहुत ज्यादा स्लो होती है क्योंकि देखो कोई रिएक्शन आपकी स्लो की होती है यहाँ एक स्लो रिएक्शन है एक फास्ट रिएक्शन है तो स्लो इसलिए है क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर आप इसमें रेट डिटरमाइन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा ये जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या होगा वन क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट कितना है एक अगर आप इसमें निकालेंगे तो यहाँ आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा दो बट आप इसमें नहीं निकाल सकते क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में ही रेट डिटरमाइन होता है इतनी चीज समझ में आ रही क्योंकि ये स्टेप बहुत स्लोली प्रोसीड हो रहा है इसमें आप रेट डिटरमाइन कर सकते हैं ये स्टेप जो ये जो स्टेप रहता है ये बहुत चुटकी बजाने में ही कंप्लीट हो जाता है बहुत फास्ट होता है इसको निकाल ही नहीं सकते तो ये स्लो और फास्ट दिखाया जाता है समझ में आ रहा ये आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये प्लस पॉइंट जैसा आपको मतलब की टीचर को थोड़ा अच्छा सा लगेगा कि हाँ इसको आता है टाइप ओके

ये आपका न्यूक्लोफाइल यहाँ पर को क्या हो गया इसके साथ एड हो गया अब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लोफाइल हो सकता है ओके सकते समझ में आए ये था आपका ए आर एस एन वन अब यहाँ पर को लिखा है कि एराइल एराइल ये जो आपका एरायल बना यहाँ पर को देख सकते हैं यहाँ, पे और यहाँ, पे. ये जो बना तो यहाँ पर बना की बात कर रहा है इज अनस्टेबल ये आपका बहुत ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन आपका जो बाहर निकला ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ओके वेरी गुड लिविंग ग्रुप तो इसकी अच्छा वजह से ये क्या है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है दिस मेक द जनरेशन ऑफ एराइल एक्सट्रीमली इजी इसकी वजह से आपका एराइल कैटाइन बहुत ईजिली बन गया ओके okay? क्योंकि ये ग्रुप आपका बहुत ईजिली बाहर निकल गया था कौन सा ग्रुप ये लिविंग ग्रुप हो गया ना इसने ही तो ग्रुप छोड़ के भागा कौन भागा ये भागा ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बहुत इजीली आपका एराइल कैटाइन बन गया और न्यूक्लोफाइल बहुत आसानी से इसके साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट मिल गया इतनी चीज समझ में आए अब लिखा है इसका एविडेंस इसको आपको पहले एविडेंस से बताना होगा कि कैसे कैसे रिएक्शन का एविडेंस क्या है ओके इसमें लिखा है द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको क्या बोला ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्टेप कौन सा है step. अगर आप इसमें रेट का मतलब क्या निकालते थे अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर क्या होता था आपका जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता था उसकी पावर रिएक्टेंट है आपका ये इसकी पावर कितनी है तो ऑर्डर आपका क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट है ठीक है ये द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन रिएम सॉल्ट एंड इंडिपेंडेंट टू ए नेर एंड देशन ऑफ ए न्यूक्लोफाइड प्रेजेंट ओके और ये जो आपकी रिएक्शन

और ये रिएक्शन जो SN1 वन रिएक्शन होती है ये इंडिपेंडेंट होती है नेचर एंड द कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लोफाइड अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा न्यूक्लोफाइड ले रहे हैं कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ये जो SN1 वन रिएक्शन होती है इन दोनों पे इंडिपेंडेंट होती है इसका एविडेंस हो गया क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये भी आपकी इंडिपेंडेंट है किसके जो आप न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं उसके कंसनट्रेशन पे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन पे तो ऑर्डर आपका डिटरमाइन है ही नहीं सिर्फ आपका डायजोनियम सोल्ट पे ही डिपेंड कर रहा है तो ये प्रूव हो गया कि ये रिएक्शन भी क्या है एक टाइप की एस एन वन रिएक्शन ही है तो ये हम इसका एविडेंस दे रहे हैं ओके अगली के द इफेक्ट ऑफ रिंग सब्सटेंट ऑन द रेट रेट कॉन्स्टेंट होगा विदिमोलिकुलर रेट डिटरमाइनिंग क्लविज एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है कि अगर आपने अपने रिएक्टेंट के मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को करेंगे। अगर आपने ग्रुप लगा दिया, उसके मेटा पोजिशन में जैसे आपके क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका नाइट्रो हो गया आपका कोई भी हेलोजन हो गया यहाँ पर इटीसी ये क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ट करेंगे और ये चीज आपकी हमेशा एसनविन रिएक्शन में होती है और इस केस में यानी कि अगर आप यहाँ एरोमेटिक रिंग की बात करें यहां भी ये कंडीशन होगी ये इसका एक एविडेंस हो गया कि ये जो रिएक्शन है ये भी आपकी SN1 रिएक्शन ही है इतनी चीज समझ में आए अब आगे बढ़िए यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल लिए हुए हैं फॉर SN1 रिएक्शन तो यहाँ लिखा है

एन टू आपका बाहर निकला अब आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में इस ए आर को लेंगे ए आर प्लस प्लस के साथ लगाएंगे वाटर वाटर के साथ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा वाटर में तीन आयन है आपके कौन कौन से एक तो आपका वाटर हाँ, पूरा आपका क्या है न्यूक्लोफाइल नहीं होता है वॉटर में आपके दो आयन है एक तो हाइड्रोक्सी होगा एक एच पॉजिटिव अब आप देखो न्यूक्लोफाइल कौन है ये आपका न्यूक्लोफाइल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या करेगा सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप इस एरोमेटिक रिंग यानी कि जो एराइल कैटाइन है इसके साथ एड होगा ये नेगेटिव

यहां पर प्लस में क्या ले लेना है यहां पर को आप ले लेंगे एक्स इसके साथ एक्स एड करेंगे तो क्या होगा एक्स नेगेटिव है ये दोनों कंबाइन करके ए आर एक्स बनाएंगे एन टू आपका बाहर हो जाएगा सिमिलरली एन थ्री अगर करेंगे तो एन थ्री भी नेगेटिव चार्ज है आपका एन टू क्या है लिविंग ग्रुप है एन टू आपका निकल गया बाहर ए आर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ए आर पॉजिटिव और एन थ्री को नेगेटिव कंबाइन करके ए आर एन थ्री बनाएंगे एन टू आपका बाहर सीएस थ्री ओ एच के केस में क्या होगा सी एस थ्री ओ एच में क्या होता है कोई चार्ज नहीं होता है इसमें चार्ज कब आएगा जब ये टूटेगा ये किसमें मिथॉक्सी मिथॉक्सी यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव इससे हाइड्रोजन निकल जाता है इस पे टूटता है अब क्या होगा CH3O नेगेटिव यानी कि मेथॉक्सी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा H पॉजिटिव आपका एज इट इज रहेगा ओके अब क्या होगा ये क्या करेगा AR से AR यहाँ पर बना ना ARN3 ये आपका N2 बाहर निकला AR के ऊपर आया पॉजिटिव यानी कि एराइल कैटायन एराइल कैटायन से ये नेगेटिव मेथॉक्सी ग्रुप कंबाइन करके क्या बनाएगा AROCH3 N2 आपका बाहर निकला और यहां पर है आपका S पॉजिटिव तो S पॉजिटिव को एज इट इज दिखाई इट इज समझ भाई Okay, अब देखो, अब आया आपका ए आर एसन टू रिएशन अब ए आर एस एन टू रिएक्शन क्या होता है अगर आपने एरोमेटिक रिएक्शन बाई मोलिकुलर किया देन आप बोलते हैं उसे एआरएसन टू रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जो आपको एक सिंगल स्टेप में तो कंप्लीट होती है बट बीच में एक इंटरमीडिएट देती है ओके okay, अब देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ए आर एस एन टू रिएक्शन चाहे आप न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट पे कीजिए चाहे आप इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट पे कीजिए ये दोनों एक दूसरे के रिसिम्बल होती है रिसिम्बल होती है मतलब सेम होते मतलब कि अगर आप न्यूक्लोफ्लिक सब्सटूशन करा रहे हैं ए आर एस यानी कि बाई मोलिकुलर न्यूक्लोफ्लिक सब्सटन कराए या फिर बाई मोलिकुलर इलेक्ट्रोफ्लिक सब्स्यूशन कराए

ये इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर को ऐड होना है तो ये क्या करेंगे ये जो बॉन्ड है ये दो बॉन्ड जो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शेयर है ये बॉन्ड को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा देखो ये यह बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो गया और ये यह बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि बॉन्ड क्या है दो इलेक्ट्रॉन से बनाए यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन बन गए एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये इस पे ऐड हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल अब देखो ये जो बॉन्ड था वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शेयर था और अभी भी ये बॉन्ड इस कार्बन और ये इलेक्ट्रोफाइल के बीच में शेयर है यानी कि इस कार्बन में तो कोई चेंज नहीं है बट इस कार्बन में चेंज है पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन था अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया आप देख सकते हैं इस कार्बन ने सिर्फ एक दो और तीन बॉन्ड बनाया बट एक्चुअल में इसने चार बॉन्ड बनाने चाहिए इसका मतलब यहाँ पर को क्या हो जाना है पॉजिटिव चार्ज आ जाना है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो गया तो ये जो स्पेशीज आपकी बनी इसे बोलते हैं एरिनियम एंड तो एरेनियम एंड मैकेनिज्म को दोनों आपका न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफ्लिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में फॉलो करता है ओके okay? इसलिए आप चाहे न्यूक्लियोफाइल से कराए इलेक्ट्रोफाइल से कराए आपको ये को फॉलो कर, करना आयन मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है इट मीन होता क्या है कि सपोज आपका एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल है उसे मैं आर कहती हूँ इसके पास लिविंग ग्रुप भी होगा जिसे आपने बाहर निकालना है अगर आपने इसमें न्यूक्लियोफाइल को एड किया तो होगा क्या पहले न्यूक्लियोफाइल इसमें एड होगा ओके देन आपका क्या होगा आर ये है इसके साथ एक मिनट रुकना ऐसे दिखा देती यहां पर को क्या है आपका लिविंग ग्रुप है ये आपका आर है इस आर के साथ nucleophile भी ऐड हो गया अब आप देख सकते हैं ये ही इंटरमीडिएट यहाँ पर बना इस पे आपका जो group, suppose group आपका जो ग्रुप ग्रुप सपोज ये लीव होने वाला है तो लिविंग ग्रुप भी है इलेक्ट्रोफाइल भी है और आपका रिएक्टेंट स्पीसीज भी है तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट स्पीसीज भी है लिविंग ग्रुप भी है और आपका न्यूक्लोफाइल भी है जिसको आपने बाहर निकालना है ओके ये आपका बन जाएगा इंटरमीडिएट ये है आपका इंटरमीडिएट ओके अब आप क्या करेंगे अगले स्टेप में इससे इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे आर एन

एरिनियम एंड मैकेजम ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्यूशन अगर आप एरोमेटिक सब्सटूशन रिएक्शन करा रहे हैं

लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है इतनी चीज समझ में आ रही अगला बोल रहा है देर फॉर बोथ इन्वॉल्व एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इसीलिए दोनों ही रिएक्शन चाहे आप न्यूक्लियोफाइल के थ्रू कराएं या इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू कराएं ये दोनों एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है क्योंकि देखो पहले स्टेप में एडिशन हुआ दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन हुआ और दोनों के केस में ये दोनों चीजें होंगी ये चीज समझ में आई अब देखो एआर एस एन रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर टू स्टेप अब दो स्टेप भी कैसे फॉलो कर रही है तो लिखा है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है स्लो होता है मतलब कि यहां पर कोई ये जो पहला स्टेप है वो ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा आर डी

जो लिविंग ग्रुप है वो भी यहीं पर है और इलेक्ट्रोफाइल है जो यानी कि जो आपका ऐड हुआ वो भी एक ही पोजिशन में एक ही कार्बन में एड हो रहा है और जो आपका लीव होने वाला है वो भी उसी कार्बन में तो उसको बोलते हैं एडिशन ओके तो ये बोलता है जो पहला स्टेप 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 है है Slow है फर्स्ट क्या स्लो इस में तो आपका एडिशन होगा टू गिव इंटरमीडिएट और आपको मिलेगा इंटरमीडिएट एनाइन मिलेगा जो कि स्टेबिलाईज होगा बाई ए रेजोनेंस और एनाइन है तो वो पूरे सिस्टम uh, में रेजोनेंस बनाएगा और क्या करेगा आपको लास्ट में एज अ प्रोडक्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पर को दिखा रही हूँ सेकंड स्टेप द लिविंग ग्रुप डिपेयर लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा आप कैसे आप एक बार ध्यान से सुनिएगा ओके तो देखिए एक बार यहां देखना देखो ये क्या बोल रहा है पहले स्टेप पे आपका क्या है जो आपका सबसेट है ये आपका है सबसेट ये सबसेट क्या करेगा न्यूक्लोफाइल के साथ ऐड करेगा यानी कि न्यूक्लोफाइल इसके साथ ऐड करेगा रहा तो न्यूक्लोफाइल ऐड होगा तो यहाँ पर इप्सो एडिशन हो रहा है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है इपसो एडिशन, इपसो एडिशन मतलब दोनों एक की हो रहे अब देखो को आप यहां भी तो कर सकते यहां भी कर कहीं भी कर सकते थे बट आपने इसी पोजिशन में करना है क्योंकि जहां आपका लिविंग ग्रुप है वही न्यूक्लियो अटैक करेगा तो यहां पर न्यूक्लियो ने इस पोजिशन में अटैक किया तो क्या होगा अब यहां पर अटैक तो होगा न्यूक्लियोफाइल का बट ये जो बॉन्ड है यहाँ से हट जाएगा हटेगे कहाँ होगा अब बॉन्ड कभी भी हटता है तो क्या बनता है नेगेटिव चार्ज बन के बाहर आ जाता है तो यहाँ पर आपका बन जाएगा नेगेटिव चार्ज अब आप देख सकते हैं ये स्टेप आपका स्लो है बोला स्लो है मतलब की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आर डी एस है ओके okay? यानी कि यहीं से आपको रेट का पता चलेगा रिएक्शन के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो इसी स्टेप से आपको पता चलेगी तो ये क्या होगा न्यूक्लोफाइल ने यहां पर अटैक किया ये जो बॉन्ड था ये हटके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन के ये बन गया ठीक है तो यहाँ पर बोला भी गया आप देख सकते हैं एक मिनट ये देखो इंटरमीडिएट आपका एनाइन बना और यहाँ पर आपका कंजुगेशन होगा रेजोनेंस बन रहा है वो कैसे मैं आपको बताऊंगी ओके okay? अब देखो यहाँ पर को क्या हुआ समझ में नेगेटिव चार्ज बन गया अब आप देख सकते हैं यहाँ पर को क्या है नेगेटिव चार्ज आपका क्या होता है बॉन्ड ही होता है डबल बॉन्ड ही होता है सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड अभी यहाँ भी क्या है आपका कंजुगेशन हो रहा है तो कंजुगेशन की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे मैंने आपको बताया था ये डबल बॉन्ड ये जो आपका बॉन्ड है ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा यानी कि यहाँ तो ये बॉन्ड बना लेगा बट इसके एडज यहां अगर ये बॉन्ड बनाना चाहेगा इस पोजिशन में तो इसके एडजस्टिंग भी तो एक बॉन्ड है ये क्या करेगा टूट के अपने आप को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लेगा इतनी चीज समझ में आए यानी कि अगले स्टेप पे यहाँ आपको बॉन्ड दिख रहा है और ये बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बना रहा है अब ये क्या करेगा अगले स्टेप में ये अपने आप बॉन्ड बना लेगा बट ये जो बॉन्ड है ये अपने आपको तोड़ के नेगेटिव चार्ज बनाने का जो आप यहाँ देख Okay? तो यहाँ पर को बोल सकते हैं इतने सिस्टम ऊपर नहीं, को नहीं बन रहा है घूम रहा है पूरे सिस्टम में घूमता था तो आप इसे ऐसे करके नेगेटिव दिखाते थे बट इस सिस्टम में यहां कोई चार्ज नहीं घूम रहा है बट यहीं पर कोई इतने में चार्ज घूम रहा है तो आप आधा सर्कल बना के बाहर से दिखाएंगे नेगेटिव और इस इप्सो पोजिशन में आपके दोनों न्यूक्लोफाइल और लिविंग ग्रुप यानी कि अटैकिंग ग्रुप और लीव करने वाला ग्रुप दोनों आपके अटैच है तो यहाँ एडिशन हुआ और ये बन गया आपका इंटरमीडिएट इसी चीज समझ में और ये है आपका रेट रेडी डाइन ओके अगले स्टेप में क्या होगा सिंपल सा आपका जो आपका जो ये स्टेप फास्ट होगा क्योंकि अब आप आपने इस लिविंग ग्रुप को बाहर फेंक देना है लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज बना के बाहर चला गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर को प्री डोमिनेंटली डोमिनेट होके क्या है यहाँ पर को बैठ गया और यानी कि ये आपका बन गया प्रोडक्ट तो यही चीज आपको यहाँ बोली तो पहले स्टेप में आपका क्या बनाना है इंटरमीडिएट बनेगा जहां इप्सो एडिशन होगा डिटरमाइनिंग स्टेप है इंटरमीडिएट जो बना वो आपका बना NIN आप देख एना है एनआईन बना और इसको आपने स्टेबिलाई करना है बाय रेजोनेंस ओके अगले स्टेप में क्या है आपके स्टेप में अगले में क्या है जो आपका लिविंग ग्रुप है वो डिपेयर होगा और आपका प्रोडक्ट एज अ मिल जाएगा इतनी चीज समझ पाए आपका अब एक और कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं इस पर लिखा है दिस रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन अमंग द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये जो आपकी क्या है ए आर एस एन टू रिएक्शन ये बहुत कॉमन है जैसे आपका ए आर एस एन वन रिएक्शन बहुत रेयर है बोला था वैसे ही आपकी बहुत कॉमन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड बहुत कॉमन है इसमें लिखा है द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सट्रेट फॉर द ए आर एस एन टू रिएक्शन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर अगर आपको किसी भी सब्सट्रेट को ए आर एस एन टू रिएक्शन करानी है तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड में ए आर एस एन टू रिएक्शन करानी है तो उसकी रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिविंग 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 पावर ऑफ अ ग्रुप ग्रुप यानी कि जितना अच्छा होगा जितनी जल्दी कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकलना चाहेगा उतनी ही ज्यादा आपके कंपाउंड में रिएक्टिविटी होगी यानी कि वो कंपाउंड आपको उतनी ही जल्दी आपको ए आर एस एन टू डी शो कराना चाहेगा ओके अगली चीज बोल रहे रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस आई पावर ऑफ ए ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्थो एंड पैरा पैरापोर्शन यानी कि अगर आपका कोई सबस्टेंट है सपोज यही बेंजीन रिंग है इसकी ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे अगर आपका कोई भी ग्रुप है जिसमें क्या है माइनस आर पावर हो माइनस आई की पावर हो यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो ऐसे कंपाउंड ऐसे कंपाउंड आपकी बहुत जल्दी ए आर एस एन टू रिएक्शन शो कराने की टेंडेंसी रखते हैं ओके अगली चीज अगर मतलब कि ऐसे कंडीशन होगी तो बहुत इजीली आपकी एआरएसन टू रिएक्शन होगी ओके अगली चीज बोल रहे रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेट्रो एटम अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है देन भी सेम कंडीशन होगी वो बहुत जल्दी आपको एआरएसएं टू रिएक्शन देगा और लास्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और अगर आप यहाँ पर कोई इन द रिएक्शन कंडीशन में यहाँ पर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो ये रिएक्शन को बहुत ज्यादा फेवर करेगा यानी कि सपोर्ट करेगा अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं यानी कि अगर आप उसे एक्वस मीडियम में मतलब कि एक्वस मीडियम में नहीं जैसे आपका वाटर है वाटर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट है क्यों अगर आप वाटर से एच पॉजिटिव आयन को निकालना चाहेंगे तो आप इजिली निकाल सकते समझ मारा तो ऐसे सॉल्वेंट जिससे आप क्या एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की जिसकी टेंडेंसी होती है ऐसे सॉल्वेंट को आप क्या बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो अगर आपने रिएक्शन कंडीशन में सॉल्वेंट लिए हैं वो भी कौन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देन आपकी रिएक्शन बहुत जल्दी यानी कि बहुत रिएक्टिव होगी टूवे ए आर एस एन टू रिएक्शन इतनी चीज समझ में आए तो ये था आपका ए आर एस एन टू रिएक्शन अब देखो अब छोटू सा बच गया थोड़ी देर ध्यान से सुनेगा ओके okay? तो अब आपने क्या देखना है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई अब यानी कि अब मैंने आपको

एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि पहले आपका एडिशन होता था देन एलिमिनेशन होता था लेकिन ये जो बेनजन वाली जो आपकी रिएक्शन है ये आपकी एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है मतलब देखो आप एर एस एन में क्या करते थे सपोज ये आपका रिएक्टेंट है है इसके पास एक लिविंग ग्रुप आप न्यूक्लोफाइल लाते थे और आपका यहाँ पर को क्या होता था ये आपका एक इंटरमीडिएट बनता था ओके okay, इसमें आपके पास न्यूक्लोफाइल भी होता था लिविंग भी होता था एंड देन लास्ट में आपका लिविंग निकल जाता था और आर एन यू एज आपका प्रोडक्ट मिल जाता था और ये आपका क्या बनता था इंटरमीडिएट लेकिन इसमें क्या होता है सपोज ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सबसे पहले क्या होगा पहले स्टेप में आपने क्या कराना है यहाँ एडिशन नहीं कराना है आपने यहाँ पर को कराना है एलिमिनेशन यानी कि पहले स्टेप में एलिमिनेशन हुआ आपका लिविंग ग्रुप का और यहाँ पर आपका बन जाएगा ये आर और ये ही आपका होगा इंटरमीडिएट जिसे आप बोलेंगे बेनजाइलीन ओके देन अब आप इसमें न्यूक्लोफाइल को ऐड करेंगे और यहां पर को आर एज अ प्रोडक्ट बनाएंगे यानी कि पहले यहां पर एलिमिनेशन हुआ देन एडिशन हुआ लेकिन यहां पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन तो ये इनके बीच में एक बड़ा डिफरेंस है ओके okay? अब एक और चीज कि अगर आपने बेनजाइलिन वाली रिएक्शन करानी है तो आपने बेस की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करानी होती है ओके okay? इतनी चीज समझ में आए और देखो अब मैं आपको यहां पर से दिखाती हूँ ये क्या बोल रहा है एराइल इसके पास, ये हो गया, aryl, इसके पास बोल रहा है तो एक आपके पास हैलोजन होना चाहिए और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन यानी कि ऑर्थोपोइन पर एक हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए और यहाँ पर होगा भी ओके अब ये बोल रहा है अगर आप इसमें न्यूक्लिफ्लिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे देन किसकी प्रेजेंस में न्यूक्लियर सब्सिट्यूशन रिएक्शन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जब मैंने आपको बोला बेस यहाँ पर बहुत जरूरी है जो हमने लिया है के एन एच टू यानी कि ये हो गया पोटेशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया एज अ यहाँ पर सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है और के एन एच टू यानी कि यानी कि ये क्या हो गया पोटेशियम अमाइड ये आपका क्या है बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर बेस आप के एन एस टू भी ले सकते हैं पी एच एल आई और बी यू एल आई भी ले सकते हैं तो आप इनकी रिएक्शन तो था रिएक्शन प्रोसीड बाई इंटरमीडिएट तो अगर ये आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर को आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जो होगा आपका इंटरमीडिएट अभी आप जस्ट सुनिए अभी मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगी ओके अब यहाँ है देन एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ

अटैक कर सकता है और ये इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरेस्टिंग फीचर है इतनी चीज समझ में आए अब बोल रहा है इस रिएक्शन को आप चिन रिएक्शन भी कहते हैं ये रिएक्शन को आप चिन रिएक्शन भी कहते हैं अब मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ तो सिंपली यहां पहले रिएक्शन

बना ये बन गया आपका इंटरमीडिएट ओके अब देखो अब यहां से क्या है आप दो टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर आपका न्यूक्लोफाइल ये है

यहां पर देखो सबसे पहले आपने क्या कराना है ये आपका बेस है ओके ये आपका क्या है बेस है ओके तो सबसे पहले आपने क्या करा रखा है यहां पर को देखो सबसे पहले आपने क्या करा है यहां से आपने लिविंग ग्रुप को रिमूव किया लिविंग ग्रुप है आपका सीएल तो आपने यहां से सीएल को रिमूव किया साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ क्योंकि आपने क्या बनाना है बेनजाइलिन एज अ इंटरमीडिएट बनाना है तो अगर यहां से हाइड्रोजन भी माइनस हो जाएगा सीएल भी माइनस हो जाएगा तो हाइड्रोजन तो अपना एक बॉन्ड लेके गया ओके ये बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर हाइड्रोजन बाहर गया तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का गया एक इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां बचा हुआ है ओके सीएल बाहर गया ओके सीएल नेगेटिव बन के सीएल बाहर गया तो सीएल के पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन सीएल के पास है एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है तो क्या होगा आप यहां देख सकते हैं एक मिनट में ऐसे बताती हूँ कि यहां से दोनों से यहां से बॉन्ड गए तो आपका ये हाइड्रोजन तो कहाँ अटैच हो गया यहां पर को एन टू था अब ये बन जाएगा एन थ्री ये सीएल आपका बाहर निकल गया और यहां पर को एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है इन दोनों ने कंबाइन करके बना लिया बॉन्ड तो यहाँ पर आपका बेंजाइल एज अ इंटरमीडिएट बन गया ओके सेकेंड स्टेप पे क्या है आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल बना ये ओके okay, ओके इसने सॉरी इस, सॉरी ये ये बेस नहीं है okay, ये है आपका ये ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर को आपका आएगा बेस ओके okay, ये आपका बेस ओके okay, अब देखो यहाँ पर ये जो आपका न्यूक्लोफाइल है अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पोजिशन में सपोज इसने यहां अटैक किया है तो नेगेटिव देखो ये जो बॉन्ड है वो आपका नेगेटिव चार्ज में, तो में इन्वॉल्व हो गया और यहाँ पर आपका एनएस थ्री यहाँ पर को एड हो गया इतनी चीज समझ में आई अब आप क्या कर सकते हैं अगर आपने इससे इस, इस एनएस थ्री से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो ये एनएस टू हो जाएगा और अगर उस हाइड्रोजन को आप इस पोजिशन में डाल देंगे तो ये चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा होता है ना नेगेटिव चार्ज को अगर आप हाइड्रोजन दे, दे देंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा अब आपने क्या किया एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला और हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया तो इसका चार्ज भी बैलेंस हो गया और आपको एज अ प्रोडक्ट ये मिल गया एक चीज समझ में तो ये थी मैकेनिज्म किसकी Benzylin की सिंपल है आपने ये आपका सॉल्ट है

रिंग है जिस जिसपे आपने क्या कराना है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराना है इस बेंजीन रिंग में और इसके ऑर्थो और, और पैरा पोजीशन में आपने सब्सटीट्यूशन किया हुआ है वो भी कौन सा हेलो का ये हेलो मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप का तभी तो ये हेलो बेंजीन हुआ यानी कि ये इसकी ऑर्थो ये इसकी मेटा और ये इसकी पैरा यानी कि इस पोजिशन और इस पोजिशन में अगर आपने सब्सटीट्यूशन लगाया है सबस्ट किए ग्रुप को तो इस केस में हमेशा आपको दो प्रोडक्ट एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे यानी कि इस टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अगर आप क्या है सब्सिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे वो भी वाई बेंजालिन तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे दोनों आपके क्या है एंड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे

प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर होगा तो वो दो फैक्टर्स क्या है मैं आपको बताती हूं तो ध्यान से देखना पहला बोल रहा है डायरेक्शन इन विज दिल फॉर्म तो इसमें क्या बोल रहा है देखो ऑर्थो और पैरा केस में अगर आपका कोई बेंजीन रिंग है इसके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में अगर आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं और बाहर से ये जी ग्रुप जुड़ा हुआ अब जी ग्रुप कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई भी ग्रुप हो सकता है ओके तो ये बोल रहा है अगर आपके ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन और पैरा पोजिशन में सब्सिट्यूशन किया गया है तो इस केस में आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बनती क्योंकि आपके ये ही बेनजाइलिन आपके फॉर्म होंगे क्योंकि सिंगल टाइप के बेन्लिन आपके फॉर्म हो रहे और सिंगल टाइप के ये देखो की बात कर रही हूं अभी मैं इसके बाद हम लोग इंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एक ही बेन्न दोनों के केस में फॉर्म हो रहा है अगर आप ऑर्थो और पैरा सब्सिचुएशन लगा रहे हैं ओके तो देखो इस केस में आपने क्या किया यहां पर आपका एक्स ग्रुप है और यहाँ पर को आपका क्या होगा हाइड्रोजन होगा यहां पर के हाइड्रोजन को तो निकाल नहीं सकते क्योंकि यहां तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ है जी ग्रुप यानी कि इसके बगल एक की हाइड्रोजन है ये अब आपने इन दोनों को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड तो एक ही आपका एंड प्रोडक्ट पॉसिबल है और इसके केस में इसके केस में बोल रहा है अगर आप यहाँ पर कोई ये है ग्रुप है इसको रिमूव कराना है तो इससे यहाँ से हाइड्रोजन लेकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाना होगा या यह यहाँ का हाइड्रोजन लेकर डबल बॉन्ड बनाना होगा तो आपके अगर आप यहाँ वाले हाइड्रोजन को निकाल के इसको भी निकालेंगे तो जैसे मैंने मैकेनिज्म ऊपर बताया यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा अगर आपने यहां वाले हाइड्रोजन को निकाला और इस ग्रुप को निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा ओके अब आप देखेंगे ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के सिमिलर ही है है ओके एक दूसरे के सिमिलर है इसका मतलब अगर आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ हुआ है है तो देन आपके यानी कि इंटरमीडिएट तो आपकी एक ही बनेंगे अगर आप ऑर्थो और पैरा की बात कर रहे हैं ओके लेकिन मेटा के केस पे ऐसा नहीं होता देखो लिखा है बट इन द केस ऑफ मेटा एक मिनट मेटा के, के केस पे क्या होता है आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो दो डिफरेंट बेंजाइलिन आपको फॉर्म होंगे ये है आपकी मेटा पोजिशन अगर आपने यहां पर से निकाला तो आप देख

अगर आपने यहां से डबल बॉन्ड निकाला तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो आपके दो प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल है अगर आप मेटा की बात कर रहे हैं मेटा पोजीशन में कोई आपने किया है, तो तो और, तो और, तो और कैसे पता चलेगा कि इन दोनों इंटरमीडिएट में से कौन ज्यादा प्रेफरेबल है यानी कि किसको मेजर बोलना किसको माइनर बोलना है जिसमें फर्दर रिएक्शन होगी ओके तो देखो ये चीज तो समझ में आए ना ये चीज मैं आपको दोबारा बोल दू की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए देखो आपकी एक मेटा पोजिशन तो ये भी है और एक मेटा पोजिशन ये वाली भी तो हुई अगर ये आप इसे और कंसिडर कर रहे हैं ये आपकी पैरा होगी ये आपकी मेटा हो गई okay? ठीक है देखो ये आपकी होगी ये आपकी मेटा होगी ये पैरा होगी तो यहां भी आपकी मेटा पोजिशन हो सकती है अगर आपने यहां पर के हाइड्रोजन को निकाला तो आपका ये बन गया प्रोडक्ट लेकिन अगर आप यहां वाले हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं आपके लिए तो दोनों कंडीशन आप इस वाले हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हैं इस वाले हाइड्रोजन को अगर आपने ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो आपका ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता है तो ये दो प्रोडक्ट बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बट कौन सा मेजर होगा कैसे पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ लिखा है अगर आपका क्या है आपको उस हाइड्रोजन को निकालना है जो आपका ज्यादा एसिडिक है यानी कि आप उस हाइड्रोजन को निकाल के ट्रिपल बॉन्ड बनाओ जो आपका ज्यादा एसिडिक है अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है ये ये रुकिए मैं इंक चेंज करती हूँ कि देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है तभी हमारे ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट में से डिफरेंट इंटरमीडिएट में से कौन मेजर है या कौन माइनर है हमें पता चलेगा तो उसको पता लगाने के लिए भी आपने क्या करना है ये बोल रहा है अगर ये जो जी ग्रुप आपका यहाँ पर लिया गया है अगर ये माइनस आई शो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि अगर इस ग्रुप की ऐसी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इसको अपनी ओर खींचना चाह रहा हो ओके तो इस केस में आप क्या करेंगे कि ये जो ऑर्थो तो पोजिशन में जो हाइड्रोजन एटम है उसको निकालेंगे हाइड्रोजन एटम यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन एटम मतलब कि कितना ज्यादा रिएक्टिव है कितनी जल्दी निकलने का ये ट्राई कर रहा है अब आप देखो ये क्या है इलेक्ट्रॉन सारा ये खींच गया ये वाला ग्रुप खींच गया तो ये हाइड्रोजन बहुत इजीली निकल सकता है यानी कि ये हो गया आपका एसिडिक हाइड्रोजन तो इस केस में ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये वाला ये वाला

अब सपोज आपने क्या है इंटरमीडिएट भी बना लिया इंटरमीडिएट बना दिया अब इंटरमीडिएट में मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा माइनर कौन बनाएगा वो चीज चेक करनी है तो ये बोल बाय थे अटैकिंग इन टू पोजिशन आपका एक बेंजाइलिन फॉर्म हुआ अब हमने आगे भी बोला था कि बेंजाइलिन जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उस केस में जो आपका आपका जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है ये इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर था कि वो किसी भी पोजीशन में जरूरी नहीं है जहां से देखो लिविंग ग्रुप यहाँ है लिविंग ग्रुप यहां से निकला तो जरूरी नहीं है कि एनएच जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो भी आपकी इसी पोजिशन में अटैक करे मैंने अभी आपको बोला तो यहां पर को किसी भी में अटैक कर सकता है तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं लेकिन वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में से स्टेबल कौन होगा वो कैसे पता चलेगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या किया देखो यहां से आप अगर आप ग्रुप को एड कर रहे हैं देखो आपका क्या कार्बो एनाइन फॉर्म हो रहा था ऊपर भी देखो मैकेनिज्म दिखाया आपको पर देखिए ये अगर आपने यहां से आपने ये डबल बॉन्ड को हटा के न्यूक्लोफाइल को जैसे ऐड किया यहां पर क्या होता है ना? एडिशन ऑफ न्यूक्लोफाइल जब हुआ तो कार्बो एनाइन फॉर्म हो रहा था समझ में आ रहा है यहां पर तो देखियो यहां पर को भी क्या है अगर आप अलग अलग पोजिशन में अपने एक मिनट रुकना अगर देखो अगर आप क्या है अगर आप क्या करेंगे अलग अलग पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे तो अलग अलग जगह एनाइन फॉर्म होंगे तो देखो अब ये क्या बोल रहा है लेकिन फेवर्ड पोजिशन जो होगी वो कैसे पता चलेगा तो देखो पहले ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है आपका लिविंग ग्रुप तो पहले आपने बेस दिया यहाँ पर को भी पोटेशियम अमाइड का बेस है और ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से माइनस बी आपका हो गया और यहाँ पर न्यूक्लोफाइल है एनएच टू एनएच टू के ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एज ए न्यूक्लोफाइल बिहेव कर रहा है और यहाँ पर बेनजाइलिन आपका इंटरमीडिएट बन गया क्योंकि इसने यहाँ पर के जो हाइड्रोजन थे ये इसने बाहर निकाले ये इसने बाहर निकाले यहाँ पर बन गया ट्रिपल ये आपका बेंजालीन इंटरमीडिएट बन गया अब बारी आई इस, इस ये जो न्यूक्लोफाइल है इसके अटैक की अब ये कौन सी पोजिशन में अटैक करे अब ये अलग अलग पोजिशन में अटैक कर सकता है, क्योंकि ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां बना तो जरूरी तो नहीं है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ही नेगेटिव चार्ज बनाए और यहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक हो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बॉन्ड है ये यहां पर डबल बॉन्ड बना बना ले मतलब बना ले मतलब नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर को हम को हम न्यूक्लियोफाइल कर दें ओके okay? तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोजिशन में न्यूक्लियोफाइल एड होगा तो यहाँ लिखा है अगर जी जो आपका ये जी ग्रुप है बात जी ग्रुप पे ही आती है अगर ये माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा होगा तो मोर स्टेबल कार्बो कैटाइन कौन सा होगा इन विच नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू ए सबस्टेंट अगर आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है एक मिनट में इसे रफ करती हूं थोड़ा ये क्या बोल रहा देखो अगर आपने क्या किया न्यूक्लियोफाइल को जब ऐड किया तो अगर आपका जो जी ग्रुप है ये जो जी ग्रुप आपने ऐड किया ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन को विद्रॉ करने वाला ग्रुप हो, और ओ सी यानी कि ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग होता है ओके तो अगर ये ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा हो तो उस केस में आपने क्या देखना है अगर आपको जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो कार्बो एनाइन यहाँ पर को जो फॉर्म हुआ वो सब के ज्यादा क्लोज होना चाहिए यानी कि यहाँ पर देखो ये दो कंडीशन आपकी फॉर्म हो रही है यानी कि एक कंडीशन

Sorry, meta position में चला गया पैरा तो ये हुई मैटा पोजिशन में चला गया और यहां पर ऑर्थो पोजिशन में तो ये दोनों पास हुए या ये दोनों पास हुए ये पास हुए तो स्टेबल कन्फॉर्मेशन कौन सा होगा स्टेबल आपका स्ट्रक्चर कौन सा होगा ये वाला होगा ओके okay? और इसी से आपके प्रोडक्ट मिलेगी जब आपने एच प्लस दिया तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा ये आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पर को क्या होगा हाइड्रोजन आ जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा समझ में है और इसी के उल्टे केस में क्या होगा अगर आपने यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप के बदले कोई प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला

तो लास्ट में आपने क्या करना होगा यहां से ये देखो ये लास्ट ये आपका फिर मोर स्टेबल होगा एच पॉजिटिव आयन देखिए तो आप इसको क्या करेंगे पॉजिटिव बना देंगे यानी कि हाइड्रोजन लगा देंगे जैसे मैंने ऊपर बोला कि नेगेटिव है अगर आप उसे एच पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा बैलेंस हो जाएगा यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और ये प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा इतनी चीज समझ में आए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा ठीक है तो यहीं पर हमारा लास्ट था किसका किसका यहीं पे हमारा लास्ट था एरोमेटिक न्यूक्लिफिक सब्सटन रिएक्शन हमने सारी चीजें देख ली एरोमेटिक न्यूक्लिफिक सब्स्यूशन रिएक्शन के उसके बाद अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके एरोमेटिक न्यूक्लिफिक रिएक्शन को अफेक्ट करता है कि एरोमेटिक रिएक्शन की कुछ आ, मतलब रिएक्शन टाइप की कुछ एग्जांपल है ओके स्माइल्स स्मजन वगैरह वगैरह तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे ओके तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं होप आपको कुछ समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए बताइए कैसी लगी वीडियो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपको एमएससी और बीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट और सबसे जरूरी चीज अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि बहुत वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है और मैं भी बोलते बोलते थक जाती हूँ उस चीज को तो अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आई होगी मैंने पूरा ट्राई किया आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आई होगी तो पूछ लीजिएगा ओके तो अभी वीडियो को फिनिश करते है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय